First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्यार में नाकाम एक युवक ने लड़की को चलती हुई लोकल ट्रेन के आगे ढकेलने की कोशिश की, मगर लड़की की किस्मत सही थी कि ये लड़की बार बार बच गई है। ये पूरी घटना मुंबई के खार रेलवे स्टेशन की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये लड़का किस तरह से लड़की को पकड़ के ले जाता है और चलती हुई लोकल ट्रेन के नीचे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर जब नाकाम हो जाता है तो फिर लड़की को छोड़कर भाग जाता है। दरअसल इस लड़के का नाम है सुमेध जाधव। 21 साल का सुमेध जाधव नाम के इस लड़के ने अपनी दोस्त लड़की को लोकल ट्रेन के नीचे ढकेलना चाहा और लगभग इस लड़की को ढकेल भी दिया था, मगर किस्मत लड़की की सही थी कि ये लड़की बच गई। लड़की के सर में चोट लगी है, करीब 12 टांके लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे को करीब 2 साल से जानते थे। लड़का सुमेध जाधव लड़की से शादी करना चाहता था, मगर लड़की शादी से इनकार कर दी थी, क्योंकि लड़की को बात पता चल गई थी कि सुमेध जाधव शराब पीता है, इसलिए लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था और इसी बात से सुमेध जाधव नाराज था। सुमेध जाधव लड़की का हर रोज पीछा करने लगा था। इसकी शिकायत भी लड़की के परिवार वालों ने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। कुछ दिन शांत रहने के बाद शुक्रवार को ये घटना हुई। जीआरपी सीनियर पुलिस निरीक्षक विलास चौगुले के अनुसार शुक्रवार को खार रेलवे स्टेशन पर लड़की के साथ सुमेध ट्रेन के आगे कूदने का नाटक कर रहा था और अचानक लड़की को ही आ रही लोकल ट्रेन के नीचे ढकेलने की कोशिश की, मगर जब नहीं ढकेल पाया तो लड़की को छोड़कर भाग गया। हालांकि 2 जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस लड़की को बचा लिया और इसे फौरन इलाज के लिए भेजा गया। लड़की के सर में 12 टाके लगे हैं। देखिए किस तरह का खार रेलवे स्टेशन का ये सीसीटीवी फुटेज है, किस तरह से इस प्यार में नाकाम इस युवक ने लड़की को चलती लोकल ट्रेन के आगे ढकेलने की कोशिश की। आता हम फोन करते हैं।